मामूल है यार, अब मेरे पापा ने दिखा दिया, देखो यहाँ घूम गया यार, देखो बनाने लायक है अटल टनल। तेल नहीं भड़को भाई, बोल के सुन नहीं मान कहता है यार, मैं के बेटा कौन अरे खुंटी कौन रही तेल भी तो नहीं मांगा थे देखी अरे झंडू लाल जी खुंटी कौन हुई तो का तेल तोल को कई बार हो गए बगले है ना, अब तोल को नहीं कई बार हो गई तने ओ तकड़ो यार, इन जाए कर बैठ के रोटी खा लियो साइड में जगह दे रखी है ने को टायर पंचर हो जाओ भाई, चांस कोई गाड़ी खराब हो जाए तो थनखेट भी लाने जरूरत होनी। हां तो जो छोटी टनल है, छोटी टनल का मैं साइड में एक रास्ता दिए दो ये साइड में ही थे जो टनल से बाहर निकल सके। ये रूम बनाए दो, अभी रूम में जाके साथ ले इसको, यानी इधर घुटा को नहीं लाइट लग रही है, कैमरा लग रहा है और इधर स्पीकर लग रहे हैं, कोई सूचना देने खातर ऐसे माइक प्रकृति चैलेंज है, पहाड़ ने प्रकृति चैलेंज है, पहाड़ ने पहाड़ के और फिर रोड बना दी बताओ, मान देखो नहीं सीलिंग बिक रही है माइनी की लेता हुआ है ना करो थे आगे तक जाओ तो मनोज जी हैं रोटियों के भंडार तो सही सागी रखा हुए मेरे भी तो वापस ले गए हैं लोड नहीं है पाठा ही करना पड़े चारों बना के तुझे के करना पड़े चार पाठों का खाई चार पाठा काट लो पाठों अब लोड ही झुंडू रोक दो तीस बता यार जदी मैं सोचो खुद फोन क्यों ले आवे है जदी मैं सोचो खुद फोन क्यों ले आवे एक बात बताओ ला भी कुछ ना नीचे थे मायने कर ले ने वीडियो फोटो बनाने वाले तैयार रहे, कोई दिक्कत को नहीं, कोई दिक्कत को नहीं, तैयार रहो फोटो बनाने दिए गए और जल्दी जल्दी शर्ट बनवा देंगे आप आताड़े में तो रोक के बनवा देंगे छोटे चल ले रहे हो ठीक है एक बार तो अट्ठा वीडियो बनाओ हाँ भाई सामने आ जाओ चाहे कोई सी सीट पर भी आने तो देखो ये देखो टनल अटल टनल
गाड़ी स्टिंग में स्पीड है ओहो ठंडी ठंडी आओ के बीच चलते हुए यहाँ अगली तो थारो तोड़ो उसको लगे बर्फबारी होती हुई कितना किलोमीटर आठ सर 8 किलोमीटर की टनल है साहब कितना की 8 किलोमीटर आठ आठ सबसे बड़ी टनल है ये यहाँ घूमते हुए ठंडी ठंडी हवाओं के बीच ये बिट्टू खड़ी है पीछे अरे टावरों खड़ा मत हो बैठ जाओ बट बट बैठ बेटा ब्रेक देना पड़ जा बैठ जाओ शानदार चिकू बेटा चिकू क्या होते बेटा मजा आ रहा अटल टनल को क्रॉस कर दिया बर्फ सिर्फ बर्फ नजारा देखो नजारा एक बात है यार वाव ब्यूटीफुल नेचर ब्यूटीफुल नेचर है ये ब्यूटीफुल बता दे ये हमारे अहद पहाड़ों के साथ फोटो खिंचाते हुए अब पूरा आटे सर लाश टप जाएगी लेके चलना गया पेंगुइन को जल्द बैठ जाओ अब बर्फ देखो क्या डरी नीचे बर्फ देखो मालूम बैठो मेरा बोल दू चलो अपना चल करवा के चल चल अकेले अकेले अरे अड़न दो प्राची नहीं मत गिला मत कर अब आ के साड़ी पीठ है अपर मटाबर खेलो जा अरे सर गाड़ी में ध्यान रखियो गाड़ी में कुतरा काचरी कर दे कन रही हो दे तो बना रही हूं मैं और बना दे मैं चलूंगा एक मिनट इसको रहे दो मना रहे एक आइडिया एक मिनट मैं तुम्हें एक मिनट तो बोले बना लो तुम इसमें बड़ी है बोलने का ना यहाँ का यहाँ तो यही दस बीस बना लो वीडियो आपका हेलो
अभी हम हिमाचल में मनाली में चल रहे हैं, भैया हमारे साथ हैं और बाकी हमारे जो साथी हैं वो रिवर राफ्टिंग करने के लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो पहाड़ वगैरह सब आप देख रहे हो ये चारों तरफ, तो इन पे जो घर बने हुए हैं जितने भी, वो सब इन लोगों की ज़मीनें हैं। ये भैया बता रहे हैं कि ये ज़मीन है सारी, यहाँ हर कोई आके नहीं बस सकता, ये सब ज़मीनें मतलब इन लोगों की ज़मीनें पहाड़ पे होती हैं, न कि धरती के ऊपर। और लगभग 9 किलोमीटर की लगभग रिवर राफ्टिंग होती है यहाँ से, ज़मीनें इन लोगों की पहाड़ों के ऊपर होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में जो भी इच्छा हो गई यहाँ हम जो है वो बस जाए, ऐसे हम बस नहीं सकते। राजस्थान में तो क्या है, खेतों में कल्याणों में कहीं भी बस सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो पॉसिबल है नहीं। और सड़क जितनी बनी है वो सारी की सारी पहाड़ों के बीच में बनी है। तो आपको जैसे देखते हुए लग रहा है यहाँ से कि अगर हम यहाँ रहें बसें तो आके नीचे ज़मीन पर, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ से पहाड़ के ऊपर ही होता है। यहाँ बारिश के टाइम में तो और भी ज़्यादा मतलब जो स्टोन्स हैं वो नीचे फ्लो होते हैं और उसमें थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है। उस टाइम तो राफ्टिंग है वो बंद रहती, क्यों बाकी टाइम राफ्टिंग बंद रहती है? दो महीने तो राफ्टिंग बंद रहती है। उस टाइम में ये लोग एप्पल का बिजनेस करते हैं, सेब का। तो सेब जो है वो देखिए इन पहाड़ों के ऊपर ऐसे सेब के जितने भी सब सेब के पेड़ हैं, टोटल सेब के पेड़, ठीक है। और इन सेब के पेड़ों से फिर क्या है कि पूरे इंडिया में और सप्लाई होती रहती है। यहाँ से जाते हैं सेब दिल्ली, दिल्ली से फिर राजस्थान हरियाणा अलग अलग जगह सप्लाई होते रहते हैं। तो मनाली का ये व्यू है अपना, देखिए आप टोटल जो घर है जितने भी घर सब पहाड़ों के ऊपर, और इन पे चढ़ने के लिए इन पे रोड़ी होती है, क्यों रोड होती है पहाड़ के ऊपर, रोड है पूरी रोड है इसके ऊपर। टूरिस्ट का बहुत गजब सिस्टम यहाँ। चलिए थैंक यू। मनाली का तकड़ा व्यू देखिए पेड़ों के ऊपर, सब सेब के पेड़, टोटल सेब के पेड़, कुल्लू मनाली के बीच का दृश्य, टोटल सेब के पेड़। और यहाँ पर देखिए रिवर राफ्टिंग करते हुए, टोटल जो पानी है वो पहाड़ों से निकल के आ रहा है, बरसात यहाँ हो या नहीं हो पानी एनी टाइम झरने जो नदियाँ हैं वो चलती रहती हैं। पहाड़ों के बीच में बसी हुई सिटी है, ऐसा कुछ नहीं है, इतने भी जो आपको जूम करके दिखा रहे हैं सब टोटल और मतलब पहाड़ों के बीच में बसा हुआ। क्योंकि इस जगह तो ऐसी हालत है कि जो पहाड़ है उनके बीच में घर, मतलब पहाड़ों के बीच में कोई घर बना हुआ, पहाड़ों के ऊपर, जस्ट पहाड़ों के ऊपर घर, पर गिरता नहीं है। समस्या देखो ये स्टोन देखो यहाँ, ये स्टोन, और ये बारिश के टाइम में स्टोन का खतरा ही रहता है, हालत ख़राब हो जाती है बारिश के टाइम में। यहाँ क्राफ्टिंग वगैरह सब बंद रहती है, कोई कुछ कर नहीं सकता, और उस टाइम में टूरिस्ट जो है वो भी फंसे रहते हैं जाम में, दो दो घंटे, पाँच दिन, तीन दिन लग जाते हैं इनको, क्योंकि जो स्टोन्स हैं वो इनका स्टोन्स का कभी पता नहीं चलता कि कब आके नीचे गिर जाएं, कभी भी पता नहीं चलता स्टोन्स का, इसलिए ये थोड़ा सा है इधर। ओके हेलो हाय, कैसा लग रहा है? यो 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 हनी सिंह, गेट डाउन आगे जाते रहे छोटे। कम बैक, कैसा लगा सर, बोलिए वीडियो में। ओके मजा आया, एकदम है ना, तबाही गैप होता है भाई। ओके हेलो हाय करो बाबा, यो अभी भी कम टू मनाली, कुल्लू मनाली, ओके बाबा फुल पावर, घबराना नहीं है। ओके गेट डाउन पूरा गेट डाउन हो भाई।
कम बैक। ओके कैसा लगा उस्ताद? और भंगड़ा पा दो। गेट डाउन बाबा। क्या बोलते पब्लिक, मचाएंगे फोन में देखा था ना ऐसा, बस आज रियल कर रहे हो। ओके यो, नाम बताओ छोटू अपना। अरमान। कैसा लग रहा है अरमान साहिब? अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ओके आपका नाम? अनिता। नाम? मनोज मीणा। ये आधा हुआ, आधा रह गया। 4 किलोमीटर जो बाबा फुल पावर। अरे खाते खाना तो गेट डाउन बाबा जी। ओके यो, क्या बोलते पब्लिक, मचाएंगे ना तुम? मचाए ले बहुत पनी। ओके गाओ, मारे ही गुड़ों में नाचे मोर, गाओ। अभी नाचेंगे ठीक है, अभी मोर नाचने वाले हैं। गेट डाउन बाबा जी। कम बैक जी। कम तो दुबारे गिरे लहरों की मस्ती में। आइए अभी यहाँ पे फिक्स मूवी का शूटिंग हुआ है, वो कहते हैं ना आओ सुनाओ प्यार के कहानी, वो शूटिंग यहाँ पे हुई है। ओके सुनाओ फिर कहानी अपनी। गेट डाउन जी सर जी। कम बैक। रस्सी पकड़ो टाइट, रस्सी टाइट। ओके फुल पावर। ओके बोलिए मजा आया? यस यो बाबा। एक महीना हो गया पूरा भाई, रस्सी पकड़ो। यो यो गेट डाउन लास्ट टाइम। पूरा डाउन हो जाओ भाई लास्ट।
पूरा टाउन आगे वाले कम बैक सर। ओके बोलो वीडियो में मजा आया। ओके लास्ट टाइम बाय बाय करो। बाय बाय। हैप्पी एंडिंग सभी को। यस। ओके गुड। ठीक है अभी अपना हेलमेट निकालो, विदाउट हेलमेट एक दो फोटो लेता बना। ये मणिकरण साहिब गुरुद्वारा, यानी कि गर्म पानी, धरती से गर्म पानी, वाजीवा कुदरत का अद्भुत नज़ारा। धरती से गर्म पानी देखिए। एक महीना हो गया पूरा भाई, धरती पकड़ो। यो यो गेट डाउन लास्ट टाइम। पूरा डाउन हो जाओ भाई लास्ट में, पूरा डाउन आगे वाले। कम बैक सर। ओके बोलो वीडियो में मजा आया। ओके लास्ट टाइम बाय बाय करो। बाय बाय। हैप्पी एंडिंग सभी को। यस। ओके गुड। ठीक है अभी अपना हेलमेट निकालो, विदाउट हेलमेट एक दो फोटो लेता बना। मणिपुर साहिब में ऑटोमेटिक गर्म पानी, धरती से निकलता हुआ बाल में 100 डिग्री का ऑटोमेटिक गर्म पानी। मणिपुर साहिब मणिकरण गुरुद्वारा कुल्लू, ऑटोमेटिक गर्म पानी निकलता है। ऑटोमेटिक गर्म पानी, शिव जी की मूर्ति है उसके नीचे, ऑटोमेटिक गर्म पानी। मणिकरण गुरुद्वारे में गर्म उबलता हुआ निकलता हुआ पानी, बाहर से नदी बह रही है और इससे देखो गर्म पानी की भाप, देख रहे हो गर्म पानी की भाप। मणिकरण गुरुद्वारा शिमला, सॉरी कुल्लू के पास, देखिए प्रकृति का अद्भुत नज़ारा। कपड़ा भाप निकल रही है, ये देखो
गोल्डन टेंपल अमृतसर, स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर अमृतसर का दृश्य, सब कुछ सोने का, टोटल गोल्ड का बना हुआ। भयंकर व्यू गुरुद्वारा, जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा भारतीयों पर दागी की गोलियों के निशान आज भी यहाँ शेष हैं। वाघा बॉर्डर अटारी पाकिस्तान इंडिया, वाघा बॉर्डर इंडिया, वाघा बॉर्डर पर अगर आग लगती है सीने में, आग देश के लिए आग। साथ ही सोशल मीडिया को फॉलो करें।
Thank you.